चतरा जिले के लोग पिछले कुछ सप्ताह से बिजली की आंख मिचौली से परेशान हैं, पर शहर में मुश्किल से 7 से 8 घंटे तक ही बिजली मिल पाती है। और इससे एक तरफ जहां शहरवासी परेशान है, वहीं पेयजल जिले में पेयजल की जो व्यवस्था है वो भी पूरी तरीके से चरमरा गई है। रिपोर्ट देखें। 2 महीने पहले चतरा में इस पावर ग्रिड का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया था, लेकिन ये पावर ग्रिड भी शहरवासियों को बिजली नहीं दे पाया। आज भी 7-7 घंटे तक बिजली काटी जा रही है, इससे कई समस्याएं एक साथ आखड़ी हुई है। मुश्किल 5 से 6 घंटे ही बिजली मिल पाती हुई रात्रि में, और सबसे समस्या है कि मेंटेनेंस के नाम पे हर साल बिजली का पब्लिक के पैसे का उपयोग किया जाता है। ये समझ में आता है कि आखिर बिजली का मेंटेनेंस करता क्या है। बिजली के नहीं रहने से जहां छात्र पढ़ाई नहीं कर पा रहे, वहीं पीने के पानी की भी बड़ी समस्या पैदा हो जा रही है, और लोग इसलिए आंदोलन का मन बना रहे हैं। वो ग्रिड से पावर कम मिल रहा है, बीच बीच में लोड कम करने के लिए बोल दिया जाता है, तो उस स्थिति में सभी फीडर को बांट के लाइन देना पड़ता है। कभी उसको एक फीडर एक नंबर को काटना है, कभी 2 नंबर को काटना है, कभी 3 नंबर को काटना है। ग्रामीण को भी इसी में चलाना है। कभी 6 मेगावाट दिया जाता है लोड लेने के लिए, तो कभी 8 मेगावाट। जिले में बिजली की विकट समस्या पैदा हो गई। यदि जल्दी समाधान नहीं हुआ तो संभव है कि बड़ा आंदोलन हो जाए। न्यूज 11 भारत के लिए चतरा से संजय की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।